नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टॉक एनालिसिस की वीडियो में। मेरा नाम राज और आप देखना शुरू कर चुके हैं रेबल इंटरट्रेडर। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो है पीवीआर। पीवीआर स्टॉक के बारे में यही कहा जा रहा था कि अब जो नई मूवी आने वाली है ब्रह्मास, उसके चलते यहाँ पर बहुत अच्छी कमाई धमाई होगी इस शेयर की, तो यहाँ पर ये शेयर भागेगा। लेकिन उसका उल्टा हुआ। आज ये 5% की मंदी करके यहाँ पर, यानी कि 5% की यहाँ पर मंदी करके बंद हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों, इस स्टॉक के लिए एक न्यूज़ भी है हमारे पास, न्यूज़ पर भी नज़र डालेंगे। इससे पहले कि हम अपना टेक्निकल एनालिसिस शुरू करें, हम यहाँ पर निफ्टी पर नज़र डाल लेते हैं। निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस था जिसके बारे में कई वीडियो से बात करते आ रहे थे, उस रेजिस्टेंस को आखिरकार तोड़ा और उसके बाद यहाँ पर आज जो कैंडल दी रेड कलर की कैंडल दी है और यहाँ पर निफ्टी लगभग वहीं बंद हुआ है। अब ये यहाँ से एक अच्छा खासा यहाँ पर मूव आ चुका है, रेजिस्टेंस जो लाइन थी वो तोड़ कर अब यहाँ से अब शेयर ऊपर जा सकता है हमारा निफ्टी, और उसके चलते ही हम लोग अपनी तेजी और मंदी की पोजीशन को यहाँ से बना सकते हैं, जो कि निफ्टी के हिसाब से ही हमें हमेशा अपनी पोजीशन बनानी चाहिए शेयरों में। ये ध्यान जरूर रखना चाहिए निफ्टी के लिए, इसलिए हम निफ्टी के बारे में बार बार बात कर रहे हैं। तो चलिए अभी अपने पीवीआर शेयर पे चलते हैं। पीवीआर के बारे में जितनी प्रिडिक्शन थी सभी की गलत होती नज़र आ रही है और यहाँ पर हमारी न्यूज़ उस कारण भी हो सकता है। बाकी हम टेक्निकल एस्पेक्ट पे पहले बात करेंगे, उसके बाद न्यूज़ पर धीरे धीरे आएंगे। तो देख सकते हैं आप, एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है मुझे इस शेयर में, जिसके चलते यहाँ पर शेयर बार बार उसी ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर हमें सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है। उसी के आसपास यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है इस शेयर को, और इसी के चलते दो बार ये ट्रेंड लाइन तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छा बार बार बाउंस बैक देखने को मिला है शेयर में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नज़र डालेंगे इस टेक्निकल एनालिसिस पे, तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर 400 डे मूविंग एवरेज को भी लगा के देखेंगे क्या शेयर यहाँ हमारा हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्या यहाँ पर शेयर हमारा क्या अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। ये लग रहा है कि यहाँ से शेयर अप ट्रेंड में ही है, अप ट्रेंड का शेयर है, तो हमें यहाँ से तेज़ी की पोजीशन के बारे में ही सोचना होगा। अगर जिस दोस्त की यहाँ पर पहले से है पोजीशन, वो थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूट जाती, और जब तक ये हमारा 400 डे मूविंग एवरेज हमारे पास है तब तक हम किसी भी तरह की इस शेयर में मंदी की पोजीशन नहीं बना सकते। तो अभी तक यहाँ पर हमें इंतजार करना होगा। जो दोस्त यहाँ पर अब नई पोजीशन बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है। जब देखिए अब ट्रेंड लाइन होती है तो एक काउंटर ट्रेंड लाइन भी हम लोग खींचते हैं, जिसके बारे में मैंने अपनी वीडियो में आपको टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में बताया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से ट्रेंड लाइन अगर हम बनाएंगे तो अब ये काउंटर ट्रेंड लाइन, जब भी काउंटर ट्रेंड लाइन टूटेगी, जैसे देखिए एक बार टूटी है, दो बार टूटी है, तो हम इस शेयर में एंट्री कर सकते हैं। पीवीआर के शेयर में हमें यहाँ पर उछाल देखने को मिलेगा जब काउंटर ट्रेंड लाइन हमारी टूटेगी। तो दोस्तों आपके पास यहाँ से चांस है, तो चलिए यहाँ पर न्यूज़ पे नज़र डालते हैं। पीवीआर में जो शेयर होल्डर टू आइनॉक्स मर्जर होने वाला है, वो 11 तारीख को यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई है जिसमें ये फैसला होगा सभी तरह का। उसी के चलते ये 11 अक्टूबर डेट फिक्स की गई है। आप लोग को मैं इस आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग वहां पर उसे पढ़ सकते हैं। तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये जो मीटिंग की घोषणा हुई है ये मार्केट को पसंद नहीं आई है। क्या आइनॉक्स के साथ मर्जर में मीटिंग होगी, क्या फैसला होगा, या तो यहाँ पर पसंद नहीं है या तो यहाँ पर डर बना हुआ है कि किस तरह के फैसले होंगे। इसी के चलते यहाँ पर शेयर में गिरावट आई है। वैसे हम अगर यहाँ पर फंडामेंटल देखेंगे शेयर के, तो बहुत अच्छी अर्निंग अब से फिर से शुरू हो गई। जून तिमाही में बहुत बढ़िया अर्निंग थी और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग नेट प्रॉफिट भी अच्छा था। इसी चलते शेयर में घबराने परेशानी करने वाली कोई बात नहीं है, बस हमें इंतजार करना है शेयर नीचे आए, हमें ट्रेंड लाइन के आसपास हमें मिले, और उसके बाद जब काउंटर ट्रेंड लाइन टूटेगी तो हम इस शेयर में एंट्री कर सकते हैं। वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं, आरएसआई भी ओवरसोल्ड होने के आसपास है, तो उसके बाद एक बाउंस बैक आना तय है जैसे शेयर नीचे ट्रेंड लाइन के पास आएगा। और उसके बाद यहाँ से हमें जैसे ही इस शेयर में यहाँ से बाउंस बैक मिलेगा तो हम वहाँ से एंट्री कर लेंगे। जैसे यहाँ से आएगा तो फिर यहाँ से जैसे ही ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा तो हम वहाँ पर एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के नीचे रखेंगे। उतनी क्वांटिटी लेंगे जितना हमारा स्टॉप लॉस होगा, उसके हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे। क्वांटिटी कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो दोस्तों
हम आपको टिप्स ट्रिक्स नहीं देते हैं, जैसे कि आप जानते हैं हम चाहते हैं आप लोगों को एजुकेट करना, हम लोग चाहते हैं आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि आप लोग ही हमारे टेक्निकल एनालिसिस सीख कर हमारी जो कोर्स है फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने कोर्स अपलोड किया इस चैनल पर, उससे देख कर आप लोग भी टेक्निकल एनालिसिस सीख जाएँ और आप लोग यहाँ से आत्मनिर्भर बन जाए, किसी पर डिपेंड ना रहे, किसी दूसरे बंदे पर डिपेंड ना रहे, न्यूज चैनल, टेलीग्राम चैनल, कॉल प्रोवाइडर, किसी पर भी आप लोग यहाँ पर डिपेंड ना रहे, यहाँ से सीख के फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग यहाँ पर सीख के जाएँ। तो इसी के लिए आप लोगों इस मुहिम से हमें ज्ञान को फ्री बांटने की इस मुहिम में आपको हमारा साथ देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ साथ इन कोर्स को आपको उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना है जो दोस्त जरूरत है, जरूरतमंद है, जो सीखना चाहते हैं, उन तक हमारी वीडियो को आपको पहुंचाना है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं किसी और शेयर के बारे में टेक्निकल एनालिसिस जानना समझना तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों दोनों प्लेलिस्ट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप नए हैं तो बेसिक स्टॉक मार्केट शुरू कर सकते हैं, अगर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज भी आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। तो दोस्तों अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।